अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा अलग वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगे, शायद किसी को ना भी अच्छा लगे और किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है, तो चलो हम शुरू करते हैं। हमने बहुत सुना है पढ़ लिख कर क्या करना है, वैसे भी कहाँ जॉब मिलने वाली है, जातिवाद जो ठहरा हमारे देश में, मगर आप में काबिलियत थे तो दुनिया कोई भी जातिवाद आपको रोक नहीं सकता। हर धर्म हर जाति आस्तिक नास्तिक सभी आपको सलाम करेंगे। हम आज कुछ इस पहलू सामने लाते हैं। लंदन जैसे आधुनिक शहर में कई लोगों को कुल्हाड़ी से वार किया गया, लेकिन उन्होंने सादिक खान को अपना मेयर बना लिया। क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत थी। एरोगेंट अमेरिकन म्यूजिक उद्योग में किसी के पैर जमाने की जगह नहीं है, इसमें कोई अंग्रेज भी पैर नहीं जमा सकते, लेकिन जैन मलिक बिलबोर्ड पर टॉप पर उनका स्थान है। क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत है। वहीं भाजपा सरकार में कलाम नाम के एक मुसलमान को देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि उनमें क्षमता थी, काबिलियत थी। काबिलियत थी इसीलिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नेत्र अनुसंधान होने की क्षमता डॉक्टर हुमायूं को सौंपी गई है। दाढ़ी है फिर भी काबिलियत की वजह से हासिम अमला को अफ्रीका का कप्तान बनाया गया है। काबिलियत थी तो अरब मुल्क जेनेदिन जिंदा फ्रांसीसी फुटबॉल के कप्तान थे। रशिया तो किसी के बाप की भी परवाह नहीं करता। करीमोव सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक बने और दुनिया के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्टेशन के चीफ आर्टिकेट बने। क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत थी। इंसान धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें काबिलियत होनी चाहिए। ईसाई धर्म के आधार पर काम करते तो नासा का मुसलमान में एम भी नहीं होता, लेकिन उनमें पहले चंद्रयान अपोलो फारूक अलबास की प्रमुख नेता बनने की क्षमता थी। जावेद खान मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। जातिवाद धर्म के नाम पर पीढ़ी को शिक्षित न करना बचकाना है। मुस्लिम युवाओं का एक निष्कर्ष यह है कि जैसे ही वह 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते हैं उन्हें बेरोजगार करार कर दिया जाता है। 20 साल से भी कम समय में शादी कर दी जाती है। उपाय है जगह जो इस्लामिक कर्तव्य है, अब वो हर गांव में एक मुसलमान करोड़पति हो रहा, और अगर वह हर साल 2.5 हिस्से की तरह से जकात वसूल करता है तो हर गांव में 2.5 लाख रुपए निकलेंगे। मेरा विचार है कि अगर 1 लाख भी शिक्षा के लिए आरक्षित है तो भारत भर के हजारों गांव में कितने लाख लड़के लड़कियां को उच्च शिक्षा के लिए गोद लिया जा सकता है। आप लाखों शानदार मस्जिदें बनाते हैं और लोग 5,000 रुपये की दवा के बिना मर जाते हैं, 5-10 हज़ार के लालच में टपोरी बन जाते हैं। इसमें कहा गया हर बच्चे का स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखना, अच्छा ज्ञान देना, ज्ञान शिक्षा देना कर्तव्य है। वह कहाँ घूमता है, किसी की कंपनी में रहता है, यह हर माता पिता की जिम्मेदारी है। कल जब संतान उठकर कुछ अपराधी गतिविधियों में शामिल हो जाता है तो टीवी पर एक मासूम चेहरा बनाकर यह वह नहीं है जो हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, जैसे बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। संतानों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें अच्छा इंसान बनाना भी एक कर्तव्य है। करोड़ की आबादी में हर मुसलमान के पास 15 IAS है, क्यों? बच्चों को सिखाएगा कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई होप आपको ये मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।